हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो डालने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी और ना ही कोई मैसेज ड्रॉप कर पा रही थी मैं। तो आज ही जो है ये जो भी इशू था वो सॉल्व हो गया है, तो आज जो मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस सारी वीडियो देखी होंगी। मेरे चैनल पे आप जो हैं ये TGT कमीशन, TGT आर्ट्स की प्रेपरेशन करवा रही थी मैं, और इसमें HPGK करंट अफेयर्स, पैडागोजी के भी क्वेश्चन करवा रही थी, तो आप देख सकते हैं। और जो भी इससे रिलेटेड वीडियो हैं TGT आर्ट्स की, ये जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाल रखी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक और बात, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो भी मेरे फ्रेंड्स, जिन भी फ्रेंड्स ने चैनल सब्सक्राइब किया है, अब हमारी फैमिली जो है हमारे चैनल पे जो है 10,000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह ट्रस्ट बनाए रखें, क्योंकि आपका ट्रस्ट बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, जो मोटिवेशन देता है कि हम और ज़्यादा आपको ये वीडियोज़ प्रोवाइड करवाएं। तो फ्रेंड्स, अगर जिन भी फ्रेंड्स ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लें, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, ये 2019 में ही है, TGT आर्ट्स से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीडर ऑफ ए बारडोली सत्याग्रह वॉज, या बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेता कौन था। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है दोनों मीडियम में बनाई गई है, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि कुछ एक फ्रेंड जो है हिंदी में कंफर्टेबल है, कुछ हिंदी इंग्लिश में है, और एज पेपर में भी दोनों मीडियम में ही आते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों मीडियम में ही बनाई हुई है वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिया, बारडोली सत्याग्रह का जो था वो लीडर कौन था। तो पहले हम बात करते हैं बारडोली सत्याग्रह। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन गया कि कब हुआ था ये बारडोली सत्याग्रह, तो आपको पता लग गया 1928 में हुआ था। एक क्वेश्चन ये बन गया बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में। सेकंड क्वेश्चन ये बन गया कि लीडर कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इसके लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बारडोली सत्याग्रह मेनली है क्या, तो हम उसके बारे में जानते हैं। ये मेनली जो है बारडोली जो है ये गुजरात में है, तो ये जो सत्याग्रह हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, 1928 में गुजरात में हुआ था, और ये मेनली जो है किसानों का आंदोलन था। इस आंदोलन में क्या था कि सरकार ने जो था किसानों का जो लगान था वो 30% जो है इंक्रीज कर दिया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस जो ये वृद्धि की थी 30% लगान में, तो उसका विरोध किया था। और इस आंदोलन का रिजल्ट क्या निकला था कि सरकार को जो है ये लगान कम करना पड़ा था, उन्होंने 30% से 6% कर दिया था ये। और इसी आंदोलन के सफल होने के बाद जो था वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने जो था ये सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये एक और क्वेश्चन बन गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है कौन से आंदोलन में, कौन से सत्याग्रह में दी गई है, तो बारडोली सत्याग्रह में जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई है। और ये किससे रिलेटेड था, ये मेनली किसानों से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन जो है मेनली पूछे जा सकते हैं। बारडोली जो है गुजरात में है, गुजरात में है, और मेनली जो है 30% जो है उनका लगान जो है इंक्रीज कर दिया था, जो डिक्रीज हो गया था फिर 6% में, और उसके बाद ही जो है ये वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सरदार की जो है उपाधि दी गई थी। तो बारडोली सत्याग्रह से दो तीन क्वेश्चन बन गए हैं, कहाँ पे हुआ था, 1928 में गुजरात बारडोली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूव ऑन करते हैं। हु ऑथर द बुक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, और ये भी पूछ सकते हैं कब लिखी गई है, ये 1919 में लिखी गई है, 1909 में, सॉरी 1909 में लिखी गई है, जब महात्मा गांधी जी लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे, तो उन्होंने जहाज में बैठे बैठे ये जो है लिखी है। तो ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक हिंद स्वराज, और महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है महात्मा गांधी जो है फादर ऑफ नेशन है, तो उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसकी एक और बुक है उन्होंने लिखी हुई जो ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये जो है ऑटोबायोग्राफी भी है महात्मा गांधी की, और ये बुक है जो महात्मा गांधी जी ने लिखी गई है। अब महात्मा गांधी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हैं, आई होप आपको पता होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु गेव नेम महात्मा गांधी, गांधी जी को महात्मा किसने बोला था पहली बार, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और सेकंड है हु कॉल्ड महात्मा गांधी एज बापू फर्स्ट, कि बापू किसने नाम दिया है, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने महात्मा और बापू वर्ड दोनों यूज़ किए हैं महात्मा गांधी के लिए। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, तो उनके लिए महात्मा, और जो बापू वर्ड है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यूज़ किया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ये हिंद स्वराज था, ये जो सबसे पहले ये जो था ये कहाँ पे छपा था, ये इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर है जो साउथ अफ्रीका में चलाया हुआ है महात्मा गांधी जी ने, तो वहाँ पे जो फर्स्ट प्रकाशन हुआ था हिंद स्वराज का वो इंडियन ओपिनियन में हुआ था। तो ये भी पूछ सकते हैं इंडियन ओपिनियन है क्या, इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर है जो साउथ अफ्रीका में जो है चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। मैं लिख देती हूँ इंडियन ओपिनियन, तो ये न्यूज़पेपर है जो साउथ अफ्रीका में है, और किसके द्वारा है, महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये दो तीन हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन नेशनल आर्मी INA केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1942, कि आज़ाद हिंद फौज 1942 है ये, में अस्तित्व में कहाँ पे आई थी, ये सिंगापुर में मेनली जो आई थी, ये सिंगापुर में है जो अस्तित्व में आई थी। तो आज़ाद हिंद फौज जो है, एक और रिलेटेड क्वेश्चन बनता है इसका कि कब आई थी, 1942 में आई थी, और इसके ये भी पूछ सकते हैं फाउंडर कौन थे INA के, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के मेनली जो थे इनके थे, ये थे कैप्टन मोहन सिंह। उसके बाद जो था उसका जो आगे इन्होंने इसको जो फॉरवर्ड किया है, जो आगे जो इनका काम संभाला था INA का, वो था हमारे सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस। तो मेनली ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, फाउंडर भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि कैप्टन मोहन सिंह के बाद इसका कार्यभार किसने संभाला था। तो मेनली जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी और रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है, हरिसेना जो है किसके लेखक हैं, तो ये हैं प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति सबसे पहले एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हरिसेन था कौन, तो ये थे हरिसेन ये थे कोट पोएट कवि थे किसके, समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त कौन थे, समुद्रगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के राजा थे। और इसमें जो है ये प्रयाग प्रशस्ति है क्या, मेनली जो प्रयाग प्रशस्ति है बहुत ही फेमस है, ये मेनली जो था इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है जो समुद्र गुप्त जी थे उन्होंने कौशाम्बी से अशोक स्तंभ लाए थे,
तो उन पे जो है मेनली ये लेख लिखे गए थे, और उन लेखों में क्या लिखा गया था कि समुद्र गुप्त जो था उनके साथ किसकी जो है युद्ध हुए, और कौन कौन से जो राजा थे वो युद्ध में हार गए थे और समुद्र गुप्त के अधीन हो गए थे। मतलब जो है ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो ये प्रयाग प्रशस्ति है ये कहाँ पे लिखे गए थे, तो ये अशोक स्तंभ के ऊपर लिखी गई थी। कहाँ पे? अशोक अशोक स्तंभ के ऊपर लिखी गई थी। और जो कहाँ से आए थे ये समुद्र गुप्त जी जो थे कौशाम्बी से लेके आए थे, और मेनली इन लेखों में क्या लिखा गया था यही कि समुद्र गुप्त के साथ किस किस के युद्ध हुए हैं, कौन कौन हार गए थे और कौन कौन समुद्र गुप्त के अधीन हो गए थे। तो ये प्राग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सांख्य सिस्टम प्रोपाउंड बाय, सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था, किसने प्रस्तुत किया था? ये कपिला ने प्रस्तुत किया था। तो संख्या में संख्या होते हैं, संख्या जैसे नंबर सिस्टम होता है, तो संख्या सिस्टम में मेनली जो है प्रकृति के बारे में और पुरुष के बारे में बोला गया है। प्रकृति को इन्होंने जड़ का जो है जड़ बोला है, और जो पुरुष है पुरुष वर्ग है उसको जो है इन्होंने चेतन का वो सिंबल सिंगल सिंबल दिया हुआ है। सॉरी, नो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज्य, कि निम्न में से किसने सबसे पहले जो था स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो ये जो थे बाल गंगाधर तिलक जी थे जिन्होंने सबसे पहले जो है स्वराज्य वर्ड का प्रयोग किया था, बाल गंगाधर तिलक। और ये पूछ सकते हैं कब किया था, ये 1906 में किया था, 1906 में। तो और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एक न्यूज़पेपर भी है जिसका नाम स्वराज है, तो ये पूछ सकते हैं किसने स्टार्ट किया है, वो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्टार्ट किया है। तो ऐसे पूछ सकते हैं, हु स्टार्टर द न्यूज़पेपर नेम स्वराज, तो वो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्टार्ट किया है। और स्वराज्य का मेनली मतलब होता है अपना देश अपना राज्य, या फिर ऐसा देश जिसमें विदेशी शासकों का राज नहीं होता बल्कि देशवासियों का जो है मेनली, जो भी जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वैसे ही कि देशवासियों के हाथ में सब कुछ होता है, तो वो है स्वराज। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम वाज नॉट सेट अप बाय गांधी, निम्न आश्रमों में से कौन सा एक गांधी द्वारा स्थापित नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आश्रम से रिलेटेड जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें जो है गांधी आश्रम मेनली लिखा होता है और बच्चे जो है मेनली इस पर टिक करके आते हैं क्योंकि ऑब्वियस है गांधी जय गांधी के नाम पर ये आश्रम है, तो गांधी आश्रम पे ही बच्चे टिक करके आते हैं कि ये तो पक्का ही किया होगा। तो ऐसा नहीं है, गांधी आश्रम जो है ये सेटअप नहीं किया है महात्मा गांधी जी ने। तो मैं कुछ एक आश्रम के नाम बता देती हूँ जो कि इन्होंने कर रखे हैं। तो सबसे पहला है फोनिक्स आश्रम, फोनिक्स आश्रम। सेकंड है टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय फॉर्म, ये भी आश्रम है। ये दोनों जो हैं साउथ अफ्रीका में हैं, हमारे साउथ अफ्रीका में हैं। और एक और है, थर्ड है कोचरव, कोचरव कोचरव आश्रम को हम सत्याग्रह आश्रम भी बोल देते हैं, सत्याग्रह आश्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सत्याग्रह का जो सत्याग्रह जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था, जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। और कोचरब जो है ये मेनली जो है अहमदाबाद में है इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। और ये जो है फोनिक्स हुआ, टॉलस्टॉय फार्म हुआ, कोचरब हुआ, सत्याग्रह हुआ, सेवाग्राम हुआ, सेवाग्राम सेवाग्राम, ये जितने भी हैं ये सब गांधी जी ने जो है किए हुए हैं, सेटअप किए हुए हैं। और जो सबसे पहला जो इंडिया में आश्रम सेटअप हुआ था वो कोचरब है, जो सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला जो इंडिया में सेटअप हुआ था आश्रम, ये भी पूछ सकते हैं विच इज़ द फर्स्ट आश्रम सेटअप बाई गांधी जी, तो यह है कोचरब, ये सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है ये। नेक्स्ट है, हु वाज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी,
शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी जी का उत्तराधिकारी जो थे ये थे संभाजी, संभाजी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर ये पूछ सकते हैं फाउंडर ऑफ अ मराठा एम्पायर कौन है? वो भी शिवाजी हैं। शिवाजी, शिवाजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ए मराठा एम्पायर? ठीक है, तो ये हैं शिवाजी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुमार संभव एन एपिक पोइम वाज़ कंपोज्ड बाय? कुमार संभव एक महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया, रचित था? तो ये कालिदास जी द्वारा रचित थे, और ये महाकाव्य जो है, महाकाव्य एपिक पोइम जो है, ये कालिदास ने जो है रचित, कालिदास द्वारा रचित है। तो टू एपिक पोइम जो थी, जो कालिदास ने रचित की थी, मेन वन तो थी, फर्स्ट वन है कुमार संभव, और सेकंड सेकंड वन है हमारे पास रघुवंश। तो इसमें जो है कुमारदास में मेनली क्या डिस्क्राइब किया गया है, ये भी पूछ सकते हैं। कुमारदास जो पोएम है इसमें क्या लिखा गया है? इसमें जो है मेनली जो है, जो हमारी गॉडेस पार्वती जी हैं, उनके बर्थ और एडोलेसेंस को पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, और उनकी शादी कैसे हुई थी लॉर्ड शिवा के साथ, वो भी सारा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है कुमार संभवम में। और सेकेंड है रघुवंशम, इसमें जो है रघु के कुल 29 राजाओं के बारे में पूरा का पूरा वर्णन किया गया है। तो कालिदास द्वारा जो है, तो टू एपिक पोएम जो है कंपोज्ड की गई है, एक कुमार संभव है, सेकंड है रघुवंशम। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको आने चाहिए। नो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वॉज नॉट कंपोज्ड और इंडो इस्लामिक इन ओरिजिन? निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य संयुक्त अथवा मूल में इंडो इस्लामिक नहीं था? तो शहनाई जो थी वो नहीं थी इंडो इस्लामिक ओरिजिन में, जो है शहनाई जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो बने रहिए, अब डेली मैं वीडियोस डालूंगी, क्योंकि चैनल की जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। और फ्रेंड्स, डेली तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको पता है, आई होप आपने ये न्यूज़ आपको मिल गई होगी कि 2 महीने और लेट हो गया है ये एग्ज़ाम। पहले तो सोच रहे थे कि फरवरी में हो जाएगा ये, मार्च में, बट अब जो है सरकार ने बोल दिया है कि ये मई में 2 महीने और लेट होगा, मतलब कि अभी मई में होने वाला है एग्ज़ाम। तो आपके पास काफ़ी समय है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर कोई तैयारी कर रहा है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।